देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ये आलू लच्छा पकौड़े बनाए हैं और इन्हें हमने किस तरह से बनाया है ये तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, फिर किस बात की देरी, चलिए अब हम बनाते हैं अपना आलू लच्छा पकौड़ा और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, खुशी ऑल इन वन में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानसून स्पेशल आलू लच्छा पकौड़े। तो देखिए, उन्हें मैंने बनाने के लिए क्या क्या सामान लिया वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है और ये कुछ सूखे पत्ते हैं, करी पत्ते जिन्हें बोलते हैं, वो इन्हें मैंने सुखा के रख लिया था। अगर आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम है। ये अजवाइन ली है मैंने और ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ये क्रश किया हुआ धनिया है, साबुत धनिया को थोड़ा क्रश किया है, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और ये 1 बाउल बेसन लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 मैंने मीडियम आकार के आलू लिए हैं और आलू को मैंने धो के अच्छी तरह से छिलकों को हटा दिया है। और अब हम अपना एक कद्दूकस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कद्दूकस लिया है। कद्दूकस में आप देख रहे होंगे ये सबसे बड़ा साइज है कद्दूकस करने का, ये थोड़ा उससे बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो आपको जो यूज करना है वो सबसे बड़ा वाला यूज करना है, जिससे हमारे आलू में लच्छे अच्छे से पड़ सके। तो मैं ये अपने कद्दूकस से आलू को लच्छे बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को इस तरह से कद्दूकस किया हुआ है, अब आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो इसमें मेन बात आती है वो आती है कि हम इनके लच्छे किस प्रकार बना के तैयार करेंगे पकोड़े। तो सबसे पहले हमें फिर से क्या करना है कि इन आलू को, कद्दूकस किए हुए को, एक बड़े बाउल में डालना है और अब इसे फिर से इतना धोना है ताकि इसमें से जो स्टार्च होता है आलू के अंदर वो बिल्कुल बाहर निकल सके। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी हम फिंगर चिप्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम अरारोट वगैरह पाउडर डालते हैं, लेकिन उसमें जो स्टार्च रह जाता है उसके कारण हमारी जो पकौड़े फिंगर चिप्स जो होती हैं वो क्रिस्पी नहीं बन पाती। तो स्टार्च के कारण क्या है, हमारे जो लच्छा पकौड़े होंगे वो क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए हमने इसे जितना भी ज़्यादा हो सकता है इसके स्टार्च को बाहर निकालना है धो करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने, आप देख रहे होंगे, मैंने बिल्कुल एकदम से स्टार्च से आलू का उसको बाहर निकाल दिया धो के, और इसे इस तरह से छन्नी में मैंने इनको छान लिया है और पानी को बिल्कुल निचोड़ दिया है। अब मैं फिर से इसे बाउल में डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं एकदम से छल्ले एकदम से अलग हो गए हैं। और अब हम इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। सबसे पहले ये रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं ये, साथ ही में ये धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करना है, और साथ में ये अजवाइन ऐड करना है। अजवाइन से क्या होता है, चाहे पूड़ी हो चाहे पकौड़े हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डबल हो जाता है और काफ़ी यम्मी और टेस्टी पकौड़े बन के रेडी होते हैं। अब हम इसमें ये अपना बेसन ऐड कर रहे हैं। तो ये मैंने 2 आलू लिए थे, 2 आलू में मैक्सिमम मैंने बेसन का जो यूज़ किया है वो 1 कटोरी का लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब क्या है, हम इन्हें, आप चाहो तो मैशर से भी इन्हें मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसे हथेली की सहायता से अपने हाथों से ही इसे इस तरह से मिलाऊंगी। और इसमें कोई भी पानी अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी आलू नमक डालने के बाद पानी छोड़ता ही है मोस्टली। तो जितना ड्राई होगा तो उतने ही पकौड़े जो है हमारे अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छी तरह से मिला के रेडी कर लिया है। आप देख रहे होंगे जो पकौड़े का बैटर है वो एकदम से रेडी है और
इसमें मैंने ये पानी भी नहीं डाला हुआ था, लेकिन फिर भी ये पानी छोड़ गया है। आप इसमें दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं अगर आपको मतलब ज़्यादा अच्छा बनाना है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या है मतलब इन्हें बिना प्याज के बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं और गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन धनिया, लेकिन मेरे पास जो घर में अवेलेबल सामान था वो मैंने यूज किया है, क्योंकि मानसून में अगर अचानक से बारिश आ जाए तो घर में डिमांड हो जाती है कि भाई पकौड़े बनाए जाएँ। तो फिर मैंने सोचा किस तरह से पकौड़े बनाए जाए जिससे कि मतलब टेस्ट भी अच्छा है और डिफरेंट आइटम बन के तैयार हो। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपनी जो कढ़ाई है वो हमने गर्म कर ली है ऑयल, तो देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मेरी कढ़ाई मोस्टली गर्म हो चुकी है। मैंने इसको जब मैं बैटर बना के रेडी कर रही थी तभी मैंने इसको गर्म कर लिया था, और एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि हमारी कढ़ाई गर्म है कि नहीं है। तो देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब इसी तरह से हम अपने पकौड़ों को छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पकौड़े एक तरफ से सिक चुके हैं, अब मैं इन्हें चेंज कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे पकौड़ों का एकदम से कलर भी चेंज हो गया और पकौड़े बनके तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सभी पकौड़ों को सेक के बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि पकौड़े कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ से भी पता लग जाए। देख लीजिए एकदम से करारे और एकदम लच्छेदार पकौड़े बन के तैयार हैं। और अब गर्मा गर्म इन्हें चटनी के साथ मैं सर्व कर लेती हूँ और फिर मैं आप सभी के साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पकौड़े गर्मा गर्म खाने के लिए एकदम से परफेक्ट तरीके से रेडी हैं। आप देख रहे होंगे ये मैंने ग्रीन चटनी ली है और ये मैंने रेड सॉस ली है। अब हमें इनमें और ज़्यादा टेस्ट डालने के लिए हमने क्या किया था, जो हमने करी पत्ते लिए थे तो आप देख सकते हैं ये मैंने इनको इस तरह से फ्राई किया हुआ है, और मैं अब इन्हें पकौड़े के ऊपर डाल देती हूँ जिससे हमारे पकौड़ों का जो टेस्ट है और भी डिलीशियस और एकदम से यम्मी बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आलू के लच्छे पकौड़े बनाने मैं फिर आपको किस बात की दे रही, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरे ये आलू लच्छे पकौड़े कैसे लगा। आपको देख करके आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा कि हाँ भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करें और अपनी नेक्स्ट रेसिपी की डिमांड करें ताकि हम आपके साथ लेटेस्ट रेसिपी शेयर कर सकें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।